हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सलमाज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी पोंगल, हैप्पी लोरी टू ऑल ऑफ यू जो मेरे व्यूअर्स हैं। सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से ये फेस्टिवल मनाओ एंड मैं भी मनाने की कोशिश कर रही हूँ। कल का ब्लॉग में आप लोगों ने बहुत कुछ देख लिया था। यस, बहुत परेशानी होती है भाई सबके घरों में, बट इसी छोटे छोटे नोक झोंक से ही हमारे घर को चलाना भी पड़ता है हमें। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मकर संक्रांति का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप कि ये ब्लॉग भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। एंड मैं अभी तैयारी कर रही थी एक फेशियल। हाँ, मैं ज़्यादातर फेशियल अपने घर में ही करती हूँ एंड इसका वीडियो अलग से आने वाला है मेरे चैनल पे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको DIY फेशियल एट होम इन द स्टाइल ऑफ सलमा देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके रखिएगा ताकि वो वीडियो जल्द से जल्द आपको देखने को मिले। हालांकि वो DIY फेशियल का वीडियो इस ब्लॉग से पहले आने वाला है, बट सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इन फ्यूचर भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स एंड वीडियोस DIYs देखने को मिले। तो चलिए आज के ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड मैं अभी तैयारी कर रही थी सारे फेशियल चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि मैं इसका अलग एक वीडियो शूट करने वाली हूँ। तो ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए एंड मिलती हूँ मैं आपको सारे अरेंजमेंट करने के बाद। एंड जल्दी से सब्सक्राइब करके रखिए मेरे चैनल को ताकि वो वीडियो भी आप लोगों को देखने को मिले। साथ ही साथ मैं अपना ब्लॉग भी कंटिन्यू कर रही हूँ, तो ये ब्लॉग कैसा लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी बज रहे हैं 2 एंड मैं जा रही हूँ छत पे, आप लोगों को एक छत का अमेजिंग व्यू दिखाऊंगी। सारे पूरे छत में ना पूरे स्काई में पतंग और पतंग, हरे भरे कलर के पतंग सी उड़ रहे हैं। आप लोग भी पतंग उड़ा रहे हो कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड पकवान बन रहा है कि नहीं घर में वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जाने वाली हूँ आज इवनिंग में मेरे इन लॉज के घर, वहाँ का क्लिक्स मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड मेरी इन लॉ क्या क्या डिशेज बनाती है एंड कैसे पूजा करती है उसका भी ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड स्किप करके मत जाइएगा। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू, मैं थोड़ी देर से आप लोगों से मिलती हूँ। अभी मैंने थोड़ा सा छोटा ब्रेक लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ फेशियल करके। उसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा, तो वो वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखिएगा। आपको मेरे स्किन में बहुत ज़्यादा ग्लोइंग इफेक्ट दिख रहा होगा, है ना, बहुत ज़्यादा। एक जो हाइलाइटर पॉइंट से वहाँ अलग से एक शाइन भी दिख रही होगी। ये है DIY फेशियल का इफेक्ट। तो अच्छा लग रहा है ना, तो ज़रूर जाके वो वीडियो भी देखिए। अगर वो वीडियो इस ब्लॉग से पहले आ चुका होगा तो इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी जाके देख सकते हो, बट अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो वो वीडियो सबसे पहले देख पाओगे आप। तो चलिए मैं थोड़ी देर से आप लोगों से मिलती हूँ। तो आप लोग देख रहे हो ना मेरा ये फेस मास्क कौन कौन से इंग्रेडिएंट से बना है। अगर आपको जानना है तो DIY फेशियल एट होम का वीडियो ज़रूर देखिए। ये वीडियो से पहले वो वीडियो चले जा चुका होगा, उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर जाके देखिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है। तो चलिए मैं ये लगाने के बाद थोड़ा देर ब्रेक ली हूँ वीडियो से, वो वीडियो से, तो इसको सूखने देते हैं, तब तक हम लोग घर का बाकी का काम कर लेते हैं। एंड ये वीडियो ज़रूर देखना, बहुत ही बेनिफिशियल होता है एंड अनएक्सपेंसिव फेशियल है। तो ज़रूर से ज़रूर ट्राई करके भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं घर का बाकी का काम कर लेती हूँ। दिख ही रहा है ना ये इफेक्टिव ग्लो, कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने अभी वो DIY फेशियल एट होम का वीडियो एंड किया है एंड इस ब्लॉग के पहले वो आ जाएगा, तो इसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए। एंड मेरा स्किन कितना अच्छा लग रहा है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए घर का काम मैंने कर लिया है एंड वीडियो को मैंने एंड भी कर दिया है, वो वीडियो को, ये वीडियो को एंड नहीं किया है, ये कंटिन्यू रहेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए एंड मैं अभी जा रही हूँ नहाने। आप लोग भी नहाए हो कि नहीं कमेंट ज़रूर कीजिएगा, विंटर सीजन है, बिना नहाए रहना मत। तो चलिए मैं भी नहा के मिलती
रही हूँ आपसे थोड़ी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एंड मैंने अपना बाकी का घर का काम कंप्लीट कर लिया है, साथ ही साथ मेरा नहाना एंड पूजा भी हो चुकी है। जैसे कि आप लोगों को दिख ही रही है, मुझे अलग से बोलने की ज़रूरत है नहीं। मैं अपना लंच लेके भी आ गई हूँ एंड आपको दिखाती हूँ कि मैं आज लंच में क्या खाने वाली हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आज बाबू स्कूल नहीं गया है। यस, मकर संक्रांति के दिन भी उसकी स्कूल ओपन थी एंड वो स्कूल नहीं गया है क्योंकि उसकी हो रही है उल्टी एंड दस्त उसको लग चुकी है, उसका पेट बहुत ज़्यादा खराब है। तो इसलिए मैंने आज उसे, वो रेस्ट कर रहा है घर में, एंड मैंने इसके लिए चीनी एंड सॉल्ट का पानी बना दिया है, मतलब होममेड ORS बोल सकते हैं, वही बना दिया है। एंड अब देखते हैं उसके पीने का रिएक्शन, पीने के बाद उसका फेस का रिएक्शन क्या होता है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये क्लिक को इंक्लूड करने की सोची। तो चलिए बाबू को पिला के ये देखते हैं कि उसका फेस का रिएक्शन क्या होता है। ना बेटा खुले खाओ, खाओ। कैसा लगा? कैसा लगा? और पियो, और पियो। इससे पीने से क्या होता है? पोटी भी नहीं होगी, उल्टी भी नहीं होगी। फिर से बोलो। पोटी नहीं होगी, उल्टी नहीं होगी, उल्टी नहीं होगी। हाँ, तो और पी लो थोड़ा। तो यस फ्रेंड्स, आप लोग भी ऐसा होममेड ORS बना के बच्चों को पिला सकते हैं जब उनका पेट हो ख़राब एंड हो रही हो उल्टी। तो दिखा दिया मैंने उसका रिएक्शन, हालांकि वो पीता नहीं है, कुछ महीने पहले मुझे भी हुआ था तो वो मेरा पी के बहुत खुश हो गया था। तो इसलिए मैंने सोचा जब इस बार उसका पेट ख़राब हुआ है तो ट्राई करते हैं होममेड ORS बना के पिलाने का, देखते हैं कि वो पीता है कि नहीं। बट लकीली वो पी रहा है एंड उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ कि आज मेरे लंच में क्या है। यहाँ मैंने गर्मा गर्म पराठे ले लिया है एंड दाल पालक मैंने ले लिया एंड आलू फ्राई। ये तीनों कॉम्बिनेशन मुझे बहुत हद से ज़्यादा बहुत अच्छी लगती है। दाल एंड पालक की रेसिपी मैंने अपने ब्लॉग में शेयर की थी, अगर आप लोग फिर से देखना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। साथ ही साथ मैं अपना लंच को एंजॉय कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर से। दाल पालक देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा यमी बना है, मैं टेस्ट करके बताती हूँ। गर्मा गर्म इसका फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग है। रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कर लेती हूँ अपना लंच को एंजॉय, फिर आपसे मैं थोड़ी देर से मिलती हूँ। बाय बाय। दिस इज़ द व्यू जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। पूरे स्काई में रंग बिरंग पतंगे उड़ रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग सा फीलिंग हो रही थी मुझे, मुझे भी उड़ाने की इच्छा तो हो रही थी। एंड स्काई में देख सकते हो कोई धूप है नहीं एंड चारों ओर पतंग ही पतंग उड़े जा रहे हैं, अच्छा खासा हवा भी चल रहा है। आपके वहाँ पे वेदर कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे तो पूरा ही विंडी वेदर है, बहुत ही ठंड भी लग रही थी फिर भी बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। कितने सुंदर सुंदर कलरिंग वाले पतंगे हैं कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग भी उड़ा रहे हो कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम लोग तो नहीं उड़ा रहे हैं। बैड लक। वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। एंड मैं अभी, शाम हो चुकी है, अभी बज रहे हैं 8। आपको मैं टाइमिंग दिखा देती हूँ। यस, अभी बज रहे हैं 8 एंड मैं और बाबू जा रहे हैं मेरे इन लॉज के घर, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि संक्रांति की पूजा वहीं होने वाली है एंड पकवान भी वहीं बनने वाले हैं। चलिए हमारे साथ आप लोग भी संक्रांति की ब्लॉग को एंजॉय करते करते। तो देखिए बाबू यहाँ पे क्या कर रहा है। बाबू का दस्त हुआ है, पेट खराब हुआ है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, तो वो पानी तो पी ही रहा है, साथ ही साथ मैंने उसको थोड़ा सा स्नैक्स भी खिला दिया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इन लॉज के घर, मैं वहीं पे आपसे मिलती हूँ। पहले मैं आपको अपना आउटफिट दिखा देती हूँ, क्या है आउटफिट। इंडियन हाउसों का कोई आउटफिट होता नहीं है, जब वो लोग बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो ही उनका आउटफिट होता है। तो मैं बस दिखा देती हूँ कि मैं क्या पहन के जा रही हूँ।
दिस इज द फ्रॉक एंड मैंने यहाँ पे एक ब्लैक स्वेटर पहना हुआ है। तो चलिए रेडी हो चुके हैं हम, अब जाते हैं बाहर की तरफ इन लॉज के घर। तो चलो बाबू चलते हैं दादी के घर। चलो दादी के घर जाना है ना, जाना है कि नहीं जाना है? जाना है ना। टीवी को कर ले बंद। तो चलिए इसे मैं रेडी करके निकालती हूँ, नहीं तो एक बार मेरी मदर इन लॉ आ चुकी थी, मम्मी जी आ चुकी थी मुझे बुलाने, तो बार बार बुलाने आए ऐसा अच्छा भी नहीं लगता है। तो चलिए हम लोग निकल पड़े। तो हुआ प्लान हमारा चेंज, हम लोग इन लॉज के घर से जाएंगे एक बर्थडे पार्टी में। मैं वहाँ पे आपको लेके जाऊंगी, डोंट वरी फॉर दैट। तो चलिए बर्थडे पार्टी में चलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, दो तीन बार फोन आ चुका है, तो मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया है। तो चलिए पार्टी में। तो केक कटिंग हो गया है एंड हम लोग परफेक्ट टाइम में पहुंचे थे, नहीं तो केक कटिंग मिस हो जाता है। एंड यहाँ पे छोटो सा गोलू कितना क्यूट लग रहा है ना, बहुत ही क्यूट है ये। हमारे मतलब रिलेटिव्स तो नहीं है, मेरे जो छोटे वाले देवर है भैया, छोटे वाले देवर, उनका दोस्त का लड़का है ये। एंड उन वही यहाँ पे पटाखे फोड़ रहे थे जैसे कि आप लोगों ने देखा। एंड ये वाले जो कुर्ता पजामा पहने हैं ना पर्पल कलर का, ये है वो भैया जिनका लड़के का बर्थडे है। तो चलिए यहाँ पे केक कटिंग तो अच्छा खासा हो गया, अब हम लोग कर लेते हैं डिनर। एंड अभी जो बच्चा जिसकी गोदी में है वही उसकी ओरिजिनल मम्मा है, देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों माँ बेटे। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं डिनर। एंड यहाँ पे छोटू सा शैतान का क्यूटनेस देखिए, ये मेरी मदर इन लॉ की गोदी में है, कितना क्यूट सा। लोग यहाँ से चल पड़ेंगे मदर इन लॉ के घर। यस मैं अभी पहुँच गई हूँ इन लॉ के घर, जैसे कि वीडियो देख के आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। तो चलिए हम लोग किचन की तरफ चलते हैं एंड पकवान बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। एंड आप लोग भी आ जाइए, देख रहे हैं ना गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे, सॉरी पकौड़े नहीं पकवान बन रहे। आप लोगों के वहाँ कौन कौन से पकवान बनाया जाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे ना। एक्चुअली मुझे नहीं पता इनका नाम क्या है, क्या कहते हैं ओरिजिनली, क्योंकि मैं ज़्यादातर ये सब में इन्वॉल्व नहीं रहती हूँ। बट अभी फ़िलहाल मैं सिंगल बहू हूँ इस घर की, तो मैं नहीं रहूँगी हर फंक्शन या छोटे मोटे पूजा पाठ में, तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसलिए मैं अपने सास को हेल्प करने आ चुकी हूँ, अकेली सास भी कितना खाना बनाए सबके लिए, तो हेल्प करना ज़रूरी बनता है। तो यहाँ पे मेरी सास बना रही है पकवान, आप लोग भी अपने इन लॉज के साथ पकवान बना रहे हो कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड मेरी सास तो एक्सपर्ट है, वो तो बनाए जा ही रही थी एंड मेरे से तो हो ही नहीं रहा था भाई, कितना मुश्किल है, देख पा रहे हो कितना जल्दी जल्दी, और उनका कितना सुंदर भी बना है। एंड मैं दिखाऊँगी कि मैं कैसे बना रही थी, प्लीज़ कोई हंसना मत, ठीक है। देखो ये मैं यहाँ पे बनाने लग चुकी हूँ एंड कोशिश तो मेरी भरपूर है सही से बनाऊँ, बट पता नहीं कैसा बन रहा है, आप लोग खुद ही वीडियो में देख लो एंड मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं ठीक से बना रही हूँ कि नहीं। एंड अगर आप लोगों को इसका नाम पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एटलास्ट मुझे पता तो चल जाए। इससे मैंने बना तो लिया है लेकिन इसका नाम क्या है वो मुझे नहीं पता था, मैं मदर इन लॉ से इतना घुल के बात नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों, 5 साल होने वाले हैं शादी को बट उतना अच्छे से बात नहीं कर पाती हूँ। तो बताइएगा आप लोग कि जो मैं बना रही हूँ उसका उसे क्या कहते हैं। हम लोग मिडिल क्लास वाले तो ऐसे अपना पोंगल संक्रांति बना रहे हैं, आप लोग कैसे बना रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड मैं यहाँ पे दूसरा वाला बनाने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे से बट कोशिश तो किए जा रही है, क्योंकि इन फ्यूचर तो मुझे ही करना है ना इनके बाद, तो कोशिश लगी हुई हूँ कोशिश में। एंड कैसा बन रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा नहीं भी बन रहा तो बता दीजिएगा भाई, अच्छा ही बन रहा है, मोटिवेशन मिलती है। तो ट्राई तो कर रही हूँ यहाँ पे परफेक्ट बनाने की, बट साल में एक बार दो बार बनता है ना, तो इतना
परफेक्शन नहीं हो पाता है, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। तो कैसा बना रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आप लोग कितना पकवान खा चुके हैं अभी तक, एंड मेरा वीडियोज़ देखते देखते कितना खा रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे अच्छी लगेगी। एंड यहाँ मैं आ चुकी हूँ मम्मी के छोटे से मंदिर में। आप देख सकते हो मम्मी ने अच्छा खासा पूजा किया है, एंड इतने सारे भगवान को मम्मी ने रखा है वो अच्छे से रख पाती है। साथ ही साथ यहाँ पे ये कलश बैठाई है संक्रांति के नाम से, एंड इसको 7 दिन बाद या 11 दिन बाद फिर से पूजा की जाएगी ऐसा कुछ बता रही थी, मैंने अच्छे से सुना तो नहीं। ये हमारा छोटा सा काना है, आप देख पा रहे हो झूले में बैठा है, विंटर का स्वेटर पहन के कैसा लग रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुरू हो चुकी है यहाँ पे पकवान खाने का मज़ेदार रसम, तो मेरे हस्बैंड खा रहे हैं, वही मैं उनका शूट कर रही थी क्योंकि मैंने नहीं खाया था पकवान जो हम मैंने और मेरी सास ने बनाया था, क्योंकि हम लोग वो बर्थडे पार्टी के वहाँ से ही अच्छे खासे डिनर करके आए थे, तो आके ही बस सबके लिए पकवान बना लिया, बट हम लोगों ने खुद ने ही नहीं खाया एंड सबको दे दिया, तो सब अच्छा खासा इंजॉय कर रहे हैं एंड सब ने बहुत तारीफ़ की पकवानों की। एंड आप लोगों को पकवान बनाते हुए हमें देख के कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड यहाँ पे सबका खाना वाना हो जाने के बाद यहाँ पे कर रहा है बाबू अपने बड़े वाले चाचा के साथ मस्ती, वो तो हमेशा ही ऐसा मस्ती करता रहता है अपने चाचाओं के साथ मस्ती। आपका बच्चा करता है कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड यहाँ पे सबके खाना वाना हो जाने के बाद हम लोग चल पड़े अपने घर की तरफ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, कल मिलेंगे हम नए ब्लॉग के साथ। कैसा लगा आज का मकर संक्रांति का ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। एंड ये ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को, क्योंकि हम बंगाली लोग कौन कौन सा पकवान बनाते हैं दूसरे को भी तो पता होना चाहिए ना, तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इजाज़त दीजिए हमें, मिलते हैं हम कल के ब्लॉग में। एंड अगर कोई वीडियो रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड मेरे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।